तो आज के वीडियो में आपने देखा था, मैंने आज फिशर्स जो है ऐड किए थे, ऑस्कर फिश बहुत सारे लाकर आगे थे, तो रात के 1:30 बजे बज रहे थे, तो मैं जाकर देखा कि क्या फिशेस कैसी हालत में थे। कभी कभी मैं फिशेस को रूटीन चेक करता रहता हूँ, तो देखा कि बहुत सारे फिशेस नीचे लेटे हुए थे, तो स्ट्रेस में आ गए थे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, थोड़ा शायद पैकिंग में प्रॉपर ना होने की वजह से, या कोई ना कोई कारण से फिशेस 8 में से 4 नीचे पड़े हुए थे। तो मैंने देखा ब्लैक फिशेस जो है बिल्कुल मरी चुकी थी। ये जो सामने 11 ऑस्कर है, थोड़ा बहुत वो एक्टिंग एक्शन कर रही थी, टच करने में भाग गई, लेकिन काली जो है वो फिशेस, टाइगर ऑस्कर जिसे बोलते हैं, वो मरी गई थी। इसकी आंखें देख सकते हैं पूरी पफ है, मतलब ये तकरीबन जब मेरे पास मिली ऑलरेडी बीमारी थी, मतलब इतना जल्दी पफ होती नहीं कोई भी फिशेस, 1-4 दिन 5 दिन टाइम लगता है तभी जाकर उसकी आंखें पफ होती है। तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, अभी क्या करें, 8 फिशेस लेके आया था, उसमें से एक फिशेस ऑलरेडी पहले बीमार थी जब इंट्रोड्यूस किए, तो अभी एक मर गई। रात के 1:30 बजे आकर देखा तो अब चले गई एक, अभी सुबह तक पता नहीं कितने जाएंगे। और सर का ये होता है, एक बार चल गए तो चांद तक, वरना ये रात तक बस खत्म रहते, वरना लाइफ टाइम तक भी रहते। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताना।